कोरोना की इस जंग में कई संस्थान आगे आ रहे हैं। सीधी में महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी सैलरी से जरूरतमंदों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को निशुल्क मास्क बांटे और बाहर से आए लोगों की सहायता की। सीधी जिले में कोरोना वायरस की जंग में अपनी परवाह न करते हुए महिला सामाजिक कार्यकर्ता राधा पांडे ने अपनी सैलरी के हिस्से से फ्रंट लाइन वर्कर्स को मास्क वितरित किए। उनके इस काम में सुधा सिंह और रज्जो बानो ने विशेष योगदान दिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने खुद से ये मास्क बनाए हैं। बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में जाकर महिलाओं ने उनको जरूरत के सामान बांटे और सभी को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए। समाज सेवी राधा पांडे लगभग 10 गांवों में जाकर किसानों को मास्क और जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा चुकी हैं। जब हमारे देश प्रदेश और जिले में कोरोना जैसी महामारी व्याप्त हो रही थी तो मैंने सोचा मैं भी अपने देश और की तो नहीं पर अपने ज़िले की थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर मास्क बनाने का काम स्टार्ट किया। उसमें मेरे साथ सोफिया परवीन, रज्जो बानो, सुधा सिंह और अनुपमा द्विवेदी और मेरी सहेली सुशीला और अन्य लोगों ने मेरी मदद की। अभी तक मेरे 15 से 16 हज़ार मास्क पूरे सीधी ज़िले और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सफाई विभाग और गांव नज़दीकी गांव में वितरित हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हूँ। मैं मधुरी क्वारंटाइन सेंटर में स्वयं सेवक के पद पर पदस्थ हूँ जिसमें मुझे कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। मेरी स्वैच्छिक सेवा ली जा रही है। मैं अपनी इच्छा से वहाँ काम कर रही हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे घर परिवार से ही मिली जिसमें मेरे पति इसमें प्राथमिक रूप से सहयोग है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।